नमस्कार, मैं हूं लोकेंद्र सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना क्या कहां तक क्रियान्वयन यहां पर जमीनी स्तर पर अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं, इस सब को जानने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार नीरज त्रिपाठी जी पहुंचे हैं ग्राम गणेशपुरा और उन्होंने बच्चों से बातचीत की है। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के नारे आमतौर पर सरकारी नुमाइंदों द्वारा हर उस मौके पर लगाए जाते हैं जब कोई सरकारी आयोजन होता है, लेकिन उन बच्चियों को पढ़ने के लिए आगे बढ़ने के लिए सरकार कितनी मददगार है, जो योजनाएं हैं उनका कितना इनको लाभ मिल रहा है, इसकी हकीकत एकदम उलट है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर ये बच्चियाँ मौजूद हैं, सभी 9th क्लास में अध्ययनरत हैं। जो साइकिल की योजना है, बालिकाओं को जो साइकिल मिलती है पढ़ने के लिए स्कूल जाने के लिए, वो इन्हें अब तक नहीं मिल पाई है। 3.5 किलोमीटर का सफ़र एक तरफ से ये बच्चियां तय करती हैं और फिर दूसरी तरफ से भी वही, यानी कुल मिलाकर 7 किलोमीटर ये बच्चियां पैदल चलती हैं तब अपने स्कूल से घर और घर से स्कूल पहुंच पाती हैं। आप समझ सकते हैं कितनी परेशानियों का ये सामना कर रही हैं, सिर्फ इसलिए कि पढ़ लिख जाएं, कुछ बन जाएं, अपने गांव का, अपने शहर का, अपने देश का नाम रोशन कर पाएं। क्या कहेंगी बेटा, कितनी परेशानी होती है? सर बहुत परेशानी होती है, आने जाने में थक जाते हैं। और साइकिल जो मिलनी चाहिए, साइकिल मिलती है, वो क्यों नहीं मिल पाई? वो पता नहीं सर, मैम सर से बोलते हैं तो वो जब बोल देते हैं कि ऊपर से ऑर्डर आएगा तब मिल जाएगी, हम आपको बता देंगे, पर वो अभी तक ही नहीं मिली है। सत्र समापन की ओर आ चुका है लगभग, और हर बार यही होता है, सिर्फ आश्वासन मिलते हैं लेकिन साइकिल नहीं मिलती। आखिर कौन है जिन बच्चियों की रफ्तार को रोकने में रोड़ा बन रहा है? धन्यवाद। मैं नीरज त्रिपाठी ठाकुर लोकन सिंह के साथ सकतपुर गुना। मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर, तो देखते रहिए अक्षत न्यूज लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।